हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक नायका हॉल। बेसिकली एज यू नो कि नायका में अभी चल रहा है पिंक सेल, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कुछ रिकमेंडेशंस। एंड एज यू कैन सी कि मेरा जो बकेट है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है कि पूरा यहाँ से गिरने वाला है अभी। तो आज का वीडियो बिल्कुल भी मैं मेरे फेस में नहीं दिखाऊंगी, मैं शो नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे लगता है मेरे फेस से ज़्यादा प्रोडक्ट के ऊपर कंसंट्रेशन करना ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को प्रोडक्ट बहुत अच्छे से मैं दिखाना चाहती हूँ, सो दैट्स वाई मैं आज का वीडियो बैक कैमरा में शूट कर रही हूँ। तो मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी और मैं सीधे जाऊंगी प्रोडक्ट्स की रिकमेंडेशन के ऊपर। एंड मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि कौन से प्रोडक्ट में कितना क्या सेल चल रहा है, बाकी प्रोडक्ट खरीदना या फिर ना खरीदना इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर डिसीजन। माई वीडियो इज नॉट एट ऑल स्पॉन्सर्ड वीडियो। एंड इसमें से अगर कोई प्रोडक्ट की आपको रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड जिन जिन प्रोडक्ट का मैंने ऑलरेडी रिव्यू कर दिया है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। तो सबसे पहले मैं आई शैडो की बात करती हूँ। तो नायका की जो आई शैडो पैलेट से इसके ऊपर अच्छा खासा सेल चल रहा है। नायका की कोई भी प्रोडक्ट्स आप परचेस कर लो उसके ऊपर बहुत ही अच्छा सेल चल रहा है। एंड के ब्यूटी की आई शैडो पैलेट्स के ऊपर भी बहुत अच्छा सेल चल रहा है। तो मैंने एक ऑलरेडी पैलेट मैंने ऑर्डर कर दिया है, तो अगर आप लोग चाहो तो आप नायका की पैलेट परचेस कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पैलेट है, मेरे पास दोनों ही है, आप लोग देख सकते हो। ये जो है ये जस्ट विंग की 12-in-1 आई शैडो पैलेट है जो मैंने आप लोगों को अभी अभी दिखाया। एंड ये जो पैलेट है ये भी काफ़ी अच्छा है। एंड इसमें आपको मिल जाएगा आई गेस 11 शेड्स। बहुत ही प्रीटी एक पैलेट है। एंड इस पैलेट का शेड नेम है ड्रे ड्रीमिंग। बहुत ही पिगमेंटेशन बहुत बढ़िया है। एंड ये अभी दोनों ही पैलेट सेल में आप लोगों को मिल जाएगा, सो गो एंड जस्ट ट्राई दिस आउट। तो ये हो गया नायका की आई शेडो पैलेट। इसके बाद मैं आती हूँ कलर बार की प्रोडक्ट में। कलर बार के ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा सेल चल रहा है गाइस। कलर बार में आपको मिल जाएगा फ्लैट 35% की ऑफ। कोई भी प्रोडक्ट आप परचेस कर लो, फिर परचेस करने के बाद कूपन कोड जो है वो वहाँ पे आप लोग सर्च कर सकते हो, तो आपको मिल जाएगा 35% फ्लैट 35% ऑफ। तो यहाँ पे मैं कुछ प्रोडक्ट आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कलर बार की। तो सबसे पहले है कलर बार की फाउंडेशन, इसका रिव्यू मेरे चैनल में किया हुआ है। ये एक न्यू लॉन्च फाउंडेशन है, 24 आवर्स वेटलेस लिक्विड फाउंडेशन। इसमें मेरा शेड है 3.1। बहुत ही अच्छा मैट फिनिश फाउंडेशन है, आप लोग जरूर इसको ट्राई कर सकते हो। पूरा रिव्यू मेरे चैनल पे किया हुआ है, आप लोग चाहो तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ये ट्यूब में आता है एंड इसमें काफी इसका जो कवरेज है वो काफी अच्छा है। तो अभी ये चल रहा है सेल में, आप लोग जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मैं और कुछ प्रोडक्ट कलर बार की आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है वो है कलर बार की परफेक्ट मैच कॉम्पैक्ट। इसमें कलर बार में आपको और दो तीन तरह के कॉम्पैक्ट पाउडर मिल जाएगा, लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसका कवरेज काफ़ी काफ़ी बढ़िया है। विदाउट फाउंडेशन भी अगर आप इसको अप्लाई करेंगे फिर भी आपके फेस में बहुत अच्छा कवरेज आएगा। इसमें मेरा शेड है न्यूट बेज, आप लोग देख सकते हो 002। पैकेजिंग वगैरह कलर बार की प्रोडक्ट का बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, आप लोग देख सकते हो। मैं आप लोगों को शेड जो है दिखा देती हूँ। यहाँ पे मिरर है एंड ये स्पंज है, आप लोग देख सकते हो मैं इसको काफी ज्यादा यूज की हूँ। एंड ये है कलर बार की शेड, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये कॉम्पैक्ट, आप लोग देख सकते हो। एंड बहुत ही सिल्की सॉफ्ट है। तो मैं ये ज़रूर आप लोगों को रिकमेंड करूंगी कि आप लोग कभी एक बार जाके देख सकते हो कि ये सोल्ड आउट हुआ है या नहीं हुआ है, आई डोंट नो, बट येस दिस इज अ वेरी गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कलर बार की कुछ लिप क्रेयॉन्स, जिसका रिव्यू मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर किया था मेरे चैनल में। ये है कलर बार की मिनी लिप क्रेयॉन मैट मी एज आई एम। इसमें आपको फुल साइज में भी मिल जाएगा, फुल साइज में सेल चल रहा है। और अगर आपको मिनी परचेस करना है तो आप मिनी ये जो लिप क्रेयॉन है आप कार्ट में ऐड करके फिर कूपन कोड अप्लाई कर सकते हो। बहुत बढ़िया है इसका पिगमेंटेशन और कलर्स जो है एक से बढ़कर एक कलर है, और सारे स्किन टोन के लिए स्वेटेबल कलर है। इसका पूरा लिप स्वचेस के साथ रिव्यू मेरे चैनल में किया हुआ है, तो मैं लिंक डाल दूंगी, गो एंड चेक इट आउट। इसके बाद मैं आती हूँ नेल पेंट्स में। तो कलर बार की नेल पेंट्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, और मेरे पास ये दो जो शेड है ये मेरा फेवरेट शेड है। ये आप लोग देख सकते हो, ये एक है न्यूट पिंक शेड,
शेड नेम जो है मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है ब्लूमिंग एंड ये बहुत ही ब्यूटीफुल एक टेराकोटा ऑरेंज शेड है एंड इस शेड का नाम है सैलमॉन्स राइट। तो अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कलर बार की नेल पेंट परचेस कर सकते हो। ओके ना, अगेन मूव ऑन टू द नायका प्रोडक्ट। तो नायका में मैंने आप लोगों को आई शेडो शेयर किया, तो अभी मैं शेयर कर रही हूँ नायका की प्राइमर। इसमें ज्यादातर टाइम में ऑफर नहीं रहता है, मैं कभी इसके ऊपर ऑफर नहीं देखी हूँ, बट रिसेंटली मैंने देखा कि अभी सेल में ऑफर चल रहा है तो आपको ये थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा प्राइमर है, मेरे जितना सारा प्राइमर है उनमें से ये मेरा बेस्ट एंड यू नो फेवरेट प्राइमर है। सिलिकॉन बेस में आता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बिल्कुल ब्लर आउट कर देता है आपके जो पोर्स है। तो आप लोग इसको भी जरूर चेकआउट कर सकते हो। इसके अलावा मैं आप लोगों के साथ नायका की कुछ नेल पेंट्स मैं शेयर करूंगी। जो मेरा फेवरेट है वो है ये दोनों शेड, ये है नायका की यू नो नेल क्रोम में आता है, मिरर क्रोम में। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें मेरे नेल्स पे यही शेड था। शेड नेम इसमें जो है वो है लूनर ग्रीन रिवर। बहुत ही ब्यूटीफुल एक क्रोम मेटेलिक काइंड ऑफ शेड है, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत दिन तक ये स्टे किया था मेरे नेल्स पे। एंड दूसरा जो मैं परचेस की हूँ ये है नायका की शाइन ऑन, ये टॉप कोट है। डेफिनेटली आप इसको नॉर्मली भी वेयर कर सकते हो या फिर नेल पेंट के ऊपर। आज मैं जो नेल पेंट अप्लाई की हूँ ये मेरा बेला वोस्ट की नेल पेंट है। नेल पेंट में उतना ज्यादा ग्लो मतलब ग्लॉसी नहीं लग रहा था, तो मैंने उसके ऊपर ये शाइन ऑन टॉप कोट अप्लाई किया। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ग्लॉसी इफेक्ट लग रहा है, तो आप लोग जरूर इसको भी परचेस कर सकते हो। इसके अलावा मसाबा की जो नेल पेंट रेंज लॉन्च किया था नायका में, इसमें मेरे पास दो शेड है, बहुत ही ज्यादा फेवरेट है, स्पेशली द येलो वन इज माई वेरी वेरी फेवरेट। पैकेजिंग काफी खूबसूरत है। जो येलो शेड है वो है गट्स एंड ये शेड भी काफी अच्छा है, केलिंग मी सॉफ्टली। तो आप लोग देख सकते हो ये शेड भी बहुत ही अच्छा है और इसमें भी ऑफर चल रहा है। मूव ऑन टू द मेबलिन। मेबलिन की बात ना करूं तो मतलब कैसे चलेगा, मेबलिन में काफी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। तो सबसे पहले मैं मेबलिन की ये लिपस्टिक्स के बारे में बात करूंगी। ये है मेबलिन की सेंसेशनल मैट लिक्विड लिपस्टिक। इसका भी पूरा रिव्यू मेरे चैनल में किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो मेरे पास जो शेड से कितना ब्यूटीफुल है, बहुत ही प्यारा शेड है मेरे पास। ये शेड मेरा फेवरेट है, इट्स इन द शेड बेस्ड बेब। इसके अलावा ये रेड शेड काफी अच्छा है, ये वाइन शेड काफी अच्छा है एंड ये जो है मेड इजी, ये भी काफी बहुत ही बढ़िया है। एंड आई थिंक दिस शेड्स विल सूट फॉर ऑल इंडियन स्किन टोन, सो यू शुड ट्राई दिस आउट। एंड इसमें अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे है मेबलिन की सुपर स्टे फुल कवरेज फाउंडेशन। तो ये भी बहुत ही बढ़िया फाउंडेशन है। अगर आपको बिल्कुल फुल कवरेज फाउंडेशन चाहिए कोई ओकेशनल पर्पस के लिए, वेडिंग सीजन ये सब के लिए, तो आप लोग ये फाउंडेशन जरूर से ट्राई कीजिए। इसमें मेरा शेड है वार्म न्यूट एंड ये अभी फ्लैट 30% में ऑफर में चल रहा है, तो आपको ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल जाएगा एंड आप लोग इसको जरूर मतलब परचेस कर सकते हो। इसके अलावा और कुछ नेल पेंट्स मेरे पास है जो मेरा फेवरेट है। नायका की मैट लैक्वर में ये शेड मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट है। मैंने कुछ दिन पहले ये शेड मेरे नेल्स पे आप लोग देखे होंगे मेरे वीडियो में। ये है लेमनेट फीज एंड ये एक नियॉन ग्रीन काइंड ऑफ शेड है। आई कैन से इट्स अ नियॉन शेड, बहुत ही प्यारा एक शेड है एंड जो लोग इसको कैरी कर सकते हैं उन लोगों को जरूर ये परचेस करना चाहिए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अनदर फेवरेट ब्रांड। माई अनदर फेवरेट ब्रांड इज के ब्यूटी एंड उसका ऑलरेडी मैं आई शेडो पैलेट जो है वो मैं ऑर्डर कर चुकी हूँ, लेकिन अभी तक मेरे पास वो नहीं रिसीव हुआ है। तो जब वो रिसीव हो जाएगा मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल मैं आप लोगों को जो रिकमेंड करूंगी वो है नेल पेंट्स। के ब्यूटी की नेल पेंट्स की जो शेड्स रेंज है बहुत ही बढ़िया शेड रेंज है एंड आप लोग देख सकते हो मेरे पास दो शेड है। ये एक न्यूट शेड है, इस शेड का नाम है बिटर स्वीट, बहुत ही प्यारा एक न्यूट शेड है। एंड दूसरा एक शेड है जो कि स्काई कलर की है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, ये है सी फ्रॉन्ट। और इसका भी नेल पेंट का फॉर्मूला मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, सो आप लोग जरूर इसमें चेकआउट कर सकते हो। इसमें भी काफी अच्छा खासा ऑफर चल रहा है। नेक्स्ट मैं मेरे एक के ब्यूटी की फाउंडेशन के बारे में मैं बात करूंगी जिसका रिव्यू मेरे चैनल में ऑलरेडी किया हुआ है। तो ये है वो फाउंडेशन के ब्यूटी की हाइड्रेटिंग फाउंडेशन है। तो जिन लोगों का ड्राई या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है उन लोगों के लिए मैं ये रिकमेंड करूंगी, नॉर्मल स्किन के लिए भी रिकमेंड करूंगी। इसमें एवोकाडो एंड मैंगो बटर भी है एंड ये थोड़ा सा कॉस्टली है, 1200 रुपीज में आता है, लेकिन अभी इसके ऊपर चल रहा है सेल, तो आप लोगों को ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। इसमें मेरा शेड है 120Y लाइट एंड ये आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें मुझे नहीं लगता कि ये सेल के बाद इसमें और कोई ऑफर मिलने वाला है आप लोगों को, तो आप लोगों को इसमें जरूर चेकआउट करना चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इसका पैकेजिंग है, पंप में आता है। बाकी अगर पूरा रिव्यू आपको देखना है तो मेरे चैनल में है, मैं लिंक डाल दूंगी, जस्ट गो एंड चेक इट आउट।
नेक्स्ट मैं बात करूंगी के ब्यूटी की और एक प्रोडक्ट के बारे में जो मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी, वो है के ब्यूटी की तरफ से इसका ब्लश, मैट ब्लश। एंड इसमें मेरा शेड है सॉफ्ट न्यूड, बहुत ही अच्छा अच्छा शेड्स अवेलेबल है। इसका भी रिव्यू, फुल रिव्यू मेरे चैनल में किया हुआ है। एंड ये पहला ब्लश है, मतलब पहला एक ब्लशर है जो मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया है। एंड इसको परचेस करने के बाद मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ही अप्लाई कर रही हूँ और बाकी कोई भी ब्लश मैं अप्लाई नहीं करती हूँ। एक तो इसका पिगमेंटेशन बहुत बढ़िया है एंड द सेकेंड थिंग इज दैट इसका जो शेड है, ओ माई गॉड, आई जस्ट लव दिस ब्लश। इसका रिव्यू पूरा मेरे चैनल में किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इतना बढ़िया शेड है जो कि हर एक स्किन टोन में कम्प्लीमेंट करेगा, हर एक स्किन टोन को कम्प्लीमेंट करेगा, हर एक स्किन टोन में सुइटेबल है ये कलर। तो एंड द पैकेजिंग यू कैन सी एज यूजुअल, इसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छा होता है। तो मैं आप लोगों को ये जो ब्लशर है मैं बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी। एंड गाइज, इफ़ यू मिस्ड इट, यू जस्ट मिस्ड इट, आई मीन आपको शायद बार बार ये ऑफर नहीं मिलेगा, तो इसलिए। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द के ब्यूटी लिपस्टिक्स। तो के ब्यूटी की मेरे पास कुछ लिप क्रेयॉन है एंड लिप क्रेयॉन तो मैं ज़रूर आप लोगों को सजेस्ट करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सजेस्ट करूंगी के ब्यूटी की ये जो लिपस्टिक है इसका मेरे पास दो शेड्स है और मैंने इसका वीडियो किया हुआ है मेरे चैनल में, आप लोग चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये जो शेड है ये मेरा बहुत फेवरेट है। इस शेड का नाम है सस्पेंस और ये एक न्यूट पिंक शेड है। इसका पैकेजिंग बहुत खूबसूरत है, आप लोग देख सकते हो। अगर आप लोग चाहो, अगर रिव्यू देखना है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। ये बिल्कुल मैट फिनिश में आता है, दो इट्स नॉट ट्रांसफर प्रूफ, बट इसका जो फॉर्मूला है काफी कंफर्टेबल फॉर्मूला है, आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई नहीं करेगा। एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस शेड इज लुक्स लाइक। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, आप लोग देख सकते हो अभी के ब्यूटी के ऊपर चल रहा है अप टू 40% ऑफ। एंड अगर आप लोग 1200 की परचेस करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक लिप हाईलाइटर फ्री जिसका प्राइस है 699। कलरबा में फ्लैट 30% ऑफ चल रहा है और अगर आप लोग कुछ ऐड करेंगे कार्ट में और वहां से कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको फ्लैट 35% मिल जाएगा। इसके अलावा आप लोग देख सकते हो यहाँ पे एम कैफिन में ऑफर चल रहा है, लॉरियल में ऑफर चल रहा है। लॉरियल अगर मैं नाम लिया तो मुझे ये जरूर शेयर करना चाहिए जो कि मेरा फेवरेट है लॉरियल में। ये स्किन केयर मैंने कुछ ही दिन पहले आप लोगों के साथ इसका भी रिव्यू शेयर किया था, रिवाइटलिफ्ट हाइलुरोनिक एसिड का सीरम है। एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि ये मेरा बिल्कुल खत्म हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव दिस वन। एंड लॉरियल में जैसे कि मैंने कहा बहुत ही अच्छा खासा ऑफर चल रहा है, तो आप लोग जरूर आप लोगों को चेकआउट करना चाहिए। अगर आपको कुछ परचेस करना है तो आप कर सकते हो। इसके अलावा नायका नेचुरल्स में चल रहा है अप टू 50% ऑफ, हुडा ब्यूटी में चल रहा है अप टू 50% ऑफ। बट मैंने देखा कि हुडा ब्यूटी में ज़्यादातर प्रोडक्ट में ऑफर नहीं है, बट हाँ फाउंडेशन में ऑफर चल रहा है। इसके अलावा मैं आती हूँ मैक में, तो मैक में आप लोग देख सकते हो काफ़ी अच्छा ऑफर चल रहा है। तो ये पहला सेल है जिसमें हाई एंड ब्रांड में आप लोगों को ऑफर मिलेगा, जनरली हाई एंड ब्रांड में ऑफर नहीं मिलता है। तो मैक में अगर आप लोग 2500 की परचेस करेंगे तो आपको एक लिप और आई प्रोडक्ट फ्री मिलेगा, या फिर अगर आप लोग 3500 की परचेस करेंगे तो आपको ब्लशर हाइलाइटर फ्री मिलेगा। तो इसलिए मैं आप लोगों को कुछ चीज़ में मैक की शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरा फेवरेट है। एंड मैं ज़रूर आप लोगों को बोलूंगी कि आप लोग अगर चाहो तो आप लोग ये परचेस कर सकते हो। तो फर्स्ट है मैक की स्टूडियो फिक्स फाउंडेशन कॉम्पैक्ट। ये तो मतलब हर एक के पास होता है, ज़्यादातर लड़कियों के पास, स्पेशली द यूट्यूबर के पास तो ये होता ही है। मेरा शेड है NC25 जैसे कि आप लोग देख सकते हो। एंड स्टूडियो फिक्स के बिना मतलब कंप्लीट नहीं होता है जो मेरा मेकअप कलेक्शन है। तो ज़रूर मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी, बट हाँ अगर आपका बजट होगा तभी मैं रिकमेंड करूंगी। कैमरा में थोड़ा कलर ये लाइट आ रहा है, इतना लाइट नहीं है, आई डोंट नो। सो दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा लाइट की वजह से इसका शेड जो है थोड़ा सा लाइटर आ रहा है, तो ये भी काफी अच्छा, काफी बटरी स्मूथ है। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज जरूर मैं आप लोगों को मतलब शेयर करूंगी कि अगर आपको कॉम्पैक्ट को सिर्फ और सिर्फ बिना फाउंडेशन का यूज करना है जैसे नॉर्मल बहुत सारे लोग करते, तो फिर मैं ये बोलूंगी कि इसका कवरेज उतना अच्छा नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप लोग इसको फाउंडेशन के ऊपर यूज करेंगे, अगर आप लोग इसको मेकअप को सेट करने के लिए यूज करेंगे, देन इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड यू शुड डेफिनेटली गो विथ इट। दूसरा जो मैक की प्रोडक्ट है जो मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है वो है मैक की फिक्सर। इसको आप लोग विदाउट मेकअप भी यूज कर सकते हो या फिर मेकअप के बाद एज अ सेटिंग स्प्रे यूज कर सकते हो। एंड ये मेरे पास जो है ये मिनी साइज है, तो मतलब जो लोग उतना ज्यादा मेकअप नहीं करते हैं मैं उन लोगों के लिए मिनी साइज ही मैं ज्यादा रिकमेंड करूंगी। बट हाँ, अगर आप लोग मतलब यू नो मेकअप आर्टिस्ट हो या फिर बहुत ज्यादा मेकअप यूज करते हो, देन आप लोग इसका फुल साइज भी परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज्यादा अच्छा है ये
प्रोडक्ट, तो मैं इसको ज़रूर ज़्यादा मतलब रिकमेंड करूँगी। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मैक का, वो है रेट्रो मैट लिक्विड लिपस्टिक। वैसे ये मैंने परचेस नहीं किया था, मुझे ये गिफ्ट में मिला था, बट आई जस्ट लव दिस वन। इसमें मेरा जो शेड है वो है ओ लेडी, बट मैं इसका कुछ और शेड भी परचेस करने के लिए सोच रही हूँ एंड मैं बहुत जल्दी परचेस करूंगी। ये जो शेड है इट्स अ परफेक्ट शेड फॉर डस्की ब्यूटी, एंड जिन लोगों का स्किन टोन डार्क या फिर डीपर डस्की में है उन लोगों के ऊपर ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। गाइस मैं आपको थोड़ा सा स्वाच करके दिखाती हूँ। सो लुक एट द शेड, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है, मैट शेड है लेकिन बहुत ही कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी लिप्स को ड्राई आउट नहीं करता है। तो मैं ये शेड सबको रिकमेंड करूँगी, हर एक स्किन टोन के ऊपर ये सुइटेबल है एंड अगर आप लोग चाहो तो इसको ज़रूर परचेस कर सकते हो। तो ये कुछ मैक का प्रोडक्ट था जो मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है एंड मैं हर एक को ज़रूर रिकमेंड करना चाहती हूँ। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, एंड नेक्स्ट जो मैं बात करूंगी ये भी एक इंडियन ब्रांड है एंड मेरा बहुत ही पर्सनली मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट ब्रांड है एंड ये है डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स। तो जनरली डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स के ऊपर भी उतना ज़्यादा सेल नहीं रहता है लेकिन अभी सेल चल रहा है तो आप लोग ज़रूर इसको परचेस कीजिए। ये डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स की मॉइस्चराइजर क्रीम है या फिर मॉइस्चराइजर है आप लोग बोल सकते हो, बहुत ही अच्छा है एंड इट कैन बी अ यू नो रिप्लेसेबल ऑफ अ प्राइमर ऑल्सो। सो मैं इसको बहुत ज़्यादा रिकमेंड करूंगी आप लोगों को। जो दूसरा प्रोडक्ट है डिस्गाइज कॉस्मेटिक्स का जिसका मैं फैन हूँ वो है लिक्विड लिपस्टिक्स, एंड मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मेरे पास ऑलरेडी दो शेड्स है। एक तो इसका पैकेजिंग देख लो, इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल, एंड ये जो दोनों ही शेड है दोनों ही न्यूड है, एक है न्यूड ब्राउन, इस शेड का नाम है रिलैक्स्ड मोका, दूसरा है न्यूड पिंक एंड इस शेड का नाम है प्रिटी न्यूट। बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, मुझे फैब बैग में मिला था बट इसमें अभी ऑफर चल रहा है तो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूंगी के ब्यूटी की और कुछ प्रोडक्ट के बारे में, जैसे कि के ब्यूटी की मस्कारा जो मैंने कुछ ही दिन पहले परचेस किया था एंड इसके ऊपर भी अभी चल रहा है सेल और ये भी काफ़ी अच्छा मस्कारा है, आप लोग देख सकते हो इसका पैकेजिंग भी बहुत खूबसूरत है। तो मैं ये भी आप लोगों को रिकमेंड करूंगी, अगर आप लोग चाहो तो जाके परचेस कर सकते हो। बहुत ही अच्छा ब्रांड है ब्यूटी का जो ब्रांड है। एंड नेक्स्ट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी नाइका की जो न्यूली लॉन्च लिपस्टिक था, एंड इसमें से मेरे पास दो शेड था, मैंने दोनों का ही रिव्यू किया था, मैं लिंक डाल दूंगी। एंड इसमें ये जो मतलब लिपस्टिक है वो है मैट लक्स लिपस्टिक, इसमें मेरा जो शेड है फेवरेट है वो है एथलेजर, आप लोग देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल एक न्यूट पिंक काइंड ऑफ शेड है। इसका पैकेजिंग भी काफ़ी बढ़िया है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, एंड दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, बहुत ही कंफर्टेबल है। तो मैं आप लोगों को एक चीज़ ज़रूर बोलूंगी कि ये प्रॉपर मैट नहीं है, आप लोग देख सकते हो इसमें हल्का सा एक ग्लॉसी फिनिश है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिपस्टिक है, बहुत देर तक लिप्स में स्टे करता है, ऐसा नहीं कि ये स्टे नहीं करता है, ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है, ट्रांसफर होता है लेकिन काफ़ी देर तक ये स्टे करता है लिप्स में। दिस इज हाउ द शेड लुक्स लाइक, डीपर पिंक न्यूड जैसे होता है बिल्कुल वैसा शेड है एंड आई रियली लव दिस वन। एंड दूसरा लिपस्टिक नायका की तरफ से जो मेरा एब्सोल्यूटली फेवरेट लिपस्टिक है वो है नायका की अल्ट्रा मैट रेंज में, आप लोग देख सकते हो मेरे पास इसका काफ़ी सारा शेड्स अवेलेबल है। फिलहाल तो मेरे पास इसका 6-7 शेड्स है लेकिन मेरे पास इसका और भी काफ़ी सारा शेड्स है जो कि मेरे पीजी में है, जिसमें जहाँ पे मैं रहती थी। फिलहाल मैं लॉकडाउन की वजह से मैं अपने घर पे हूँ, आप लोग देख सकते हो इसका फॉर्मूला इतना मतलब इतना अच्छा है, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। और इसमें अच्छा खासा ऑफर चल रहा है गाइस, एक से एक शेड आप लोग देख लो, मतलब इतना प्रिटी शेड है, हर एक स्किन टोन के लिए आपको मिल जाएगा, चाहे आपका स्किन टोन काफ़ी लाइट हो या फिर चाहे आपका स्किन टोन बहुत ज़्यादा डार्क हो। आप लोग देख सकते हो ये जो शेड है कोको, बहुत ही ब्यूटीफुल एक शेड है, यूनिवर्सल एक फ्लैटरिंग शेड है जो हर एक स्किन टोन के ऊपर सूट कर जाएगा। मैं रिसेंटली इसका मिनी शेड भी लॉन्च किया था तो उसमें से मैंने यहाँ पे परचेस किया है मोनालिसा एंड शेर, शेर भी बहुत ब्यूटीफुल शेड है, मोनालिसा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा न्यूट ब्राउन शेड है। तो मैं आप लोगों को यही बोलूंगी कि ये लिपस्टिक गाइस आप लोग अगर आप लोगों के पास अभी तक नहीं है तो आपको एटलीस्ट इसका एक शेड ट्राई करना चाहिए, इसका फॉर्मूला इतना अच्छा है, लिप्स को ड्राई नहीं करता है लेकिन काफ़ी देर तक स्टे करता है, बहुत ही बिल्कुल मैट फिनिश है, ट्रांसफर भी उतना नहीं होता है। तो आप लोगों को मैं ये ज़रूर रिकमेंड करूंगी। एंड अभी जो वीडियो है इसको मैं एंड कर रही हूँ क्योंकि वीडियो इज़ ऑलरेडी सो लॉन्ग एंड मैं चाहती हूँ कि मेरे पास अभी भी काफ़ी सारा सामान है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, तो मैं इस वीडियो को अभी यहाँ
पेंट कर रही हूँ एंड इसका अलग से पार्ट लेके मैं आऊंगी। पार्ट टू में मैं बाकी जितना सारा प्रोडक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँ। सो यस, दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। नाउ प्लीज कीप वॉचिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अगर आप लोगों को जानना है कि और क्या क्या प्रोडक्ट में सेल चल रहा है तो यस प्लीज कीप वॉचिंग।